साबुत गेहूं और बहुत सारी सब्जियों को मिलाकर बना ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी होता है। आप इसे सुबह के नाश्ते में बनाकर खा सकते हैं। इसे हमने इस तरीके से बनाया है कि हेल्दी होने के साथ साथ ये बहुत ही टेस्टी बनता है और बनाने का तरीका इसका बिल्कुल ही आसान है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। गेहूं को हमने अच्छे से साफ करके 2-3 बार धोकर रात भर के लिए पानी में भिगो कर रखा था। मेजरिंग कप से हमने 1.5 कप गेहूं लिया है और आप देख सकते हैं गेहूं बहुत अच्छे से फूल गया है। तो चलिए इसका पानी निकाल देते हैं और इसे डालते हैं कुकर में। कुकर में हम डालेंगे 1 कप पानी और साथ में हम डाल देंगे 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर को बंद कर देंगे। गैस को जला लेते हैं। कुकर में प्रेशर आने पर फ्लेम को स्लो कर देंगे। हमें इसमें सीटी नहीं लगाना है, बस प्रेशर आ जाए। स्लो फ्लेम पर इसे हम 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे और जब प्रेशर निकल जाएगा तभी कुकर को खोलेंगे। गेहूं को चेक कर लेते हैं। गेहूं बहुत अच्छी तरह से पक गया है। अगर आपका गेहूं ना पका हो तो थोड़ा सा पानी डालकर उसे 3-4 मिनट और पका लें। पैन में डालेंगे 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल की जगह आप देसी घी भी डाल सकते हैं। इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा। जीरा अच्छे से भून लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसे हमने बारीक काटा है। 1 इंच अदरक को भी हमने बारीक काट लिया है। आप चाहें तो ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। 2 प्याज को हमने बारीक काटा है, उसे डाल देते हैं और इसे बीच बीच में चलाते हुए भूनेंगे। आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे आप बिना प्याज के भी बना सकते हैं। अगर आपको सुबह जल्दी रहता है तो आप इस गेहूं को 1 दिन पहले बॉयल करके फ्रिज में रख दें तो दूसरे दिन नाश्ता आप जल्दी बना सकते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो गया तो अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बारीक कटा गाजर, 1/2 कप बारीक कटा बीन्स, 1/2 कप फ्रेश मटर, इसकी जगह आप फ्रोजन मटर ले सकते हैं, 1/2 कप बारीक कटा शिमला मिर्च, 1 चम्मच नमक। नमक थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि हमने गेहूं में भी नमक डाला है। अब इसे ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि सब्जियां हमारी सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गया है, सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गई है तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला। तो इसमें हम डालते हैं 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, इसकी जगह आप गरम मसाला डाल सकते हैं, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्चा, 1/2 चम्मच घर का कुटा हुआ लाल मिर्चा डालेंगे। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो मिर्चा थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। थोड़ी देर इन मसालों को भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे 3 टमाटर जिसे हमने बारीक काटा है। मिक्स करेंगे और पैन को ढक देंगे 5 मिनट के लिए ताकि टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट हो गया है, टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और ये सब्जियां भी अच्छे से पक गई हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं बॉयल किया हुआ गेहूं। अगर आप सब्जियों को काट कर फ्रिज में रख दें और गेहूं को बॉयल करके रख दें तो इस नाश्ते को आप सिर्फ 10 मिनट में बना लेंगे। अच्छे से इसे हमने मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप पानी और ढक देंगे इसको 5 मिनट के लिए ताकि सारे मसाले का फ्लेवर गेहूं में अच्छे से आ जाए। तो 5 मिनट इसे हमने स्लो फ्लेम पर पका लिया है। अब फ्लेम को बंद करते हैं। इसमें डालते हैं बारीक कटा हरा धनिया और ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। लीजिए, बनकर तैयार है गेहूं का बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता। इसे सर्व कर देते हैं। तो अब आप सुबह के नाश्ते में इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी पसंद आएगा। और बनाने का तरीका आपने देखा, बिल्कुल आसान है। ऊपर से डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, इससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। गार्निश कर देंगे बारीक कटा हरा धनिया, पतले स्लाइस कटे नींबू और हरी मिर्च से। खाने में बहुत ही टेस्टी और बनाने में बिल्कुल आसान ये हेल्दी नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। आपको रेसिपी पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।